प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग इन दिनों जिले भर के रेस्टोरेंट और होटलों में दबिश देकर वहां के व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले कटघोरा और कुसमुंडा के दुकान और होटलों में कलेक्टर के निर्देश पर फूड डिपार्टमेंट ने औचक निरीक्षण किया था। इसी कड़ी में गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम बालको के मधुबन स्वीट्स पहुंची और होटल का जायजा लिया। इस दौरान रेस्टोरेंट के मालिक के द्वारा किचन में नीला केरोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा था। विभागीय टीम ने फौरन ही 10 लीटर केरोसिन और 3 बर्नर जब्त कर लिया। खाद्य विभाग ने मधुबन स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर करीब 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा मधुबन में भारी मात्रा में स्वच्छता का अभाव देखने को मिला। यहां के किचन में बासी चावल भी बरामद किया गया। गौर करने वाली बात है कि मधुबन रेस्टोरेंट के द्वारा लगातार सफाई और दूसरे तय मानकों की अनदेखी की जा रही थी। इस मामले की शिकायत पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन कार्रवाई के अभाव में रेस्टोरेंट मालिक के हौसले बुलंद थे। लेकिन इस बार की कार्रवाई ने होटल प्रबंधन की पूरी कलाई खोल कर रख दी है। दीपावली पूर्व मिठाइयों के ऊपर मैंने मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में राज्य शासन से भी निर्देश मिले हैं कि मिठाई दुकानों की सघन जांच कराई जाए, ताकि अमानक मिठाइयां एवं जो नकली मिठाइयों की बिक्री न हो और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। इसी अनुक्रम में कोरबा जिला में हम लोग पिछले एक हफ्ते से मिठाई दुकानों पर लगातार जाँच की कार्रवाई कर रहे हैं, और जाँच में जहाँ भी अनियमितता पाई जा रही है, जहां अस्वच्छ वातावरण में मिठाइयों का निर्माण हो रहा है या पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो उन दुकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बालको नगर में स्थित मधुबन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में कार्रवाई किए, जहां पे बहुत ही गंदगी भरे वातावरण में मिठाई का निर्माण किया जा रहा था, स्वच्छता मानकों का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही साथ वहां पे मिठाई निर्माण में ईंधन के तौर पर मिट्टी तेल का उपयोग करना पाया गया। तो ये सभी बिंदुओं पे आज मधुबन स्वीट्स में कार्रवाई किए, और स्वच्छता के अभाव में हमने वहाँ पे 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।